आपका स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। और आज की पाठशाला वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 5 का अभ्यास 7, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डेसिमल संख्याओं के कुछ घटाना और उनसे संबंधित कुछ शाब्दिक सवाल। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं, जिसमें दिया गया है कि आपको घटा करना है। पहले में 4.25 लीटर में से आपको 3.45 लीटर को घटाना है। तो आइए घटाते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे सभी घटाने पहले करते थे बिना दशमलव संख्याओं के, वैसे ही घटाना है। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 2 में से 4 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम आगे से एक हासिल ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो गया? 12। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 तो 0 आ जाएगा। अब देखिए, डेसिमल पॉइंट हम डेसिमल पॉइंट की सीध में लगा देते हैं, यानी कि जितने अंकों के बाद डेसिमल पॉइंट लगा होता है उतने ही अंकों के बाद हम दशमलव बिंदु को लगाते हैं। और यहाँ पर जो भी इकाई दी गई है हमें, हम उसको लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, 0.80 लीटर। अगला सवाल देखिए, 20.65 मीटर में से हमें 8.97 मीटर को घटाना है। तो 5 में से 7 को घटाने के लिए हमें हासिल फिर से लेनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ से जब हम एक उधार लेंगे हासिल, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ से एक लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो 0 है, तो 2 से लेंगे हम, यहाँ 10, फिर यहाँ 9, और यहाँ हो जाएगा फिर से 15। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ 9 था, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। हम दशमलव यहाँ लगा देंगे और यहाँ 1 फिर से बचा है, 11.68 मीटर, है ना? सरल, जैसे पहले करते थे, बस हमें दशमलव बिंदु का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ देखिए, 5.15 किलोमीटर से हमें 1.28 किलोमीटर को घटाना है। तो देखिए, यहाँ से 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब यहाँ से 0 हो गया, तो फिर से यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 4 में से 1 गया तो 3। अब दशमलव बिंदु हम कहाँ पे लगाएंगे? 7 और 8 के बाद। तो हमारा उत्तर आ गया 3.87 किलोमीटर। अब देखिए, सवाल नंबर दूसरा है कि ऋचा ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 5 रुपए का, तथा धनिया 3.50 का, और तेल 16.50 का खरीदा। यदि उसने 50 रुपए का नोट दुकानदार को दिया तो उसे दुकानदार ने कितने पैसे वापस लौटाए? हमको पता करना है इस सवाल में। तो देखिए, जब हमने कितनी भी चीजें खरीदी हो, उन सभी चीजों के पैसों को हम क्या करेंगे? जोड़ कर लेंगे, और जितने पैसे हमने उसे दिए हैं उसमें से घटा कर देंगे, तो बचे हुए पैसे हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल करने के लिए, हल्दी कितने की खरीदी इसने? 4.75 रुपए की। उसके बाद नमक कितने का खरीदा? 5 रुपए का, 5.00। धनिया कितने का? 3.50। और तेल कितने का खरीदा? 16.50। देखिए, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जोड़ दीजिए तो कुल कितने रुपए आएंगे? 5, 5, 5, 10, 7, 7 हासिल 1। अब देखिए, यहाँ हासिल 4, 5, 9, 10, 11, 12, 12, 6, 18, और एक हासिल यहाँ पर हो गया 19, और एक हासिल और एक 2। दशमलव लगा दीजिए, 29.75 रुपए, यहाँ सब जगह भी रुपए लिखा हुआ है। तो कितना हो गया? 29.75 रुपए का सामान उसने खरीद लिया, पर उसने दिए कितने पैसे? दुकानदार को 50 रुपए दिए। तो हम क्या करेंगे? दुकानदार ने
वापस करेगा रुपए बराबर 50 माइनस कितने वापस करेगा 29.75। यहां से दशमलव लगाकर 00 लिख लीजिए जिससे बराबर अंक हो जाएंगे। घटाना कर दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहां कितना रह गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। दशमलव बिंदु लगा लीजिए, यहां भी 9 था, 9 में से 9 तो 0 हो गया। अब यहां 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया। 20.25 20.25 रुपए दुकानदार ऋचा को वापस करेगा। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है कि मान बताओ 17 डेसीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर और दूसरा है 15 डेकामीटर माइनस 95 सेंटीमीटर। देखिए जब भी इस तरीके के इकाइयों के हमें सवाल दिए गए हो, जोड़ना घटाना कुछ भी करना हो, तो सर्वप्रथम तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। हम कभी भी घटाना या जोड़ना अलग अलग इकाइयों के साथ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है और एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके की इकाइयां आपको याद रखनी होंगी। एक का नंबर, तो देखिए हम आपका सवाल को हल करते हैं, 17 डेसीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, डेसीमीटर में सेंटीमीटर को बदल लेंगे जिससे कि हमारी एक ही इकाई हो जाएगी, फिर घटाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि एक डेसीमीटर में कितना होता है, बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो एक सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होगा, 1/10 का भाग ही होगा ना डेसीमीटर का। तो 35 सेंटीमीटर में 1/10 गुणे 35 बराबर 3.5 डेसी मीटर हो गया। तो 35 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 3.5 डेसीमीटर के बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 17 माइनस 3.5, यहां पर दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, घटा दीजिए। यहां से कितना आएगा, 10 में से 5 तो 5 ही आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा और यहां से 1 आएगा तो 13.5 डेसी मीटर हमारा उत्तर हो गया। अब हम इस सवाल को हल करेंगे, 15 डेकामीटर माइनस 95 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताया था आपको, एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। तो एक सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/1000 होगा ना, क्या होगा डेकामीटर। अब 95 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, 1/1000 इंटू 95 कितना आएगा हमारे पास। मैंने क्या बताया था, जब भी 1000 हो तो उतने ही 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहां से क्या आएगा, 0.095 और वो क्या गया, ये डेकामीटर। अब हम इसको हल कर सकते हैं, तो 15 माइनस 0.095 घटा दीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए 15.000, यहां से 0.095 घटाएंगे, यहां से ले जानी पड़ेगी। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 9 में से 9 0 आएगा और यहां 9 भी 9 बचा था तो 9 आ गया और यहां 4 14.905 डेकामीटर। इस तरीके से हमारे इन दोनों सवालों का आंसर आ गया है। तो आपको इस तरीके के जब भी सवाल हल करने हो, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी हमें जोड़ करना हो या घटाना हो। अब देखिए चौथा सवाल दिया गया है कि रहीम ने 3.75 रुपए के आलू खरीदे, 2.50 की गोभी खरीदी और धनिया खरीदा हरा 0.50 रुपए का तथा प्याज 5.50 रुपए का खरीदा। तो आपको बताना है कि उसने कुल कितने रुपए की सब्जी
खरीदी। तो आइए देखें, मैंने आलू गोभी धनिया प्याज सभी के पैसे लिख लिए हैं और कुल रुपए के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि डेसिमल को उस अंकों के हिसाब से सेम रखना है आपको। और अब जोड़ देते हैं, देखिए 5000 तो यहां से कितना आएगा, 5 आएगा, 5 5 10 15 और 7 22 और 2 हासिल 2, 3 2 5 और 5 10 और 2 12 रुपए। देखिए पांचवा सवाल दिया गया है कि रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है, उसी रास्ते में दीपक का घर भी पड़ता है जो कि 3.25 किलोमीटर पर पड़ता है। तो दीपक की घर से रामपुर बाजार की कितनी दूरी है, हमें ये पता करनी है। देखिए मान लीजिए ये दीपक का घर है और ये बाजार है, क्या है, बाजार। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12.5 किलोमीटर है और रास्ते में ये दीपक का घर है जो कि 3.25 किलोमीटर पर पड़ जाता है। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पता करनी है, तो क्या करेंगे, हम कुल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी 12.5 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए दीपक का घर, तो यहां से दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी आएगी, क्योंकि 3.25 किलोमीटर बाद में पड़ता है, तो 12.5। अब इसमें से दीपक के घर की दूरी 3.25 किलोमीटर है, उसे हम कुल दूरी में से घटा देंगे। तो देखिए यहां से कितना आएगा, 5 और 2 दशमलव। अब यहां से लेंगे 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 9.25 किलोमीटर हो जाएगा। तो दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी 9.25 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके के जब भी सवाल आए हम बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। इस तरीके से आपका अभ्यास सार पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।